मेरे इस चैनल शेयर नॉलेज पुणे में आपका स्वागत है। अभी एक ऐसा शेयर लेके आया हूं जो कि आने वाले समय में आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। मात्र 284.75 रुपये का यह शेयर है। इस शेयर का 52वीं हाई देखते हैं तो 52वीं हाई 285 रुपये के आसपास का है, वहीं 52वीं लो 200 रुपये के आसपास का है। फ्राइडे के दिन कितनी क्वांटिटी उठाई गई है शेयर की तो आप देख सकते हैं, 1,79,17,722 क्वांटिटी उठाई गई है जो कि 50% के आसपास है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाके कुछ डिटेल देख लेते हैं गाइस। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने पिछले क्वार्टर में जहां 4,15,620 का प्रॉफिट बुक किया था, वहीं इस क्वार्टर में कंपनी ने 4,19,096 का प्रॉफिट बुक किया। यानी कंपनी ने पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर में काफ़ी शानदार प्रॉफिट बुक किया। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटल देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3,50,829 करोड़ का शानदार मार्केट कैपिटल है। करंट मार्केट प्राइस 284 रुपये के आसपास का है। 52वीं हाई 285 रुपये, वहीं 52वीं लो 200 रुपये के आसपास का है। कंपनी 4.04% के आसपास का डिविडेंड देती है और कंपनी के पास 249 करोड़ के आसपास का डेट है। एक साल का चार्ट देखिए तो काफ़ी शानदार रिटर्न दिए हैं कंपनी ने अपने शेयर धारकों को इस एक साल के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। गैस इस कंपनी का हम क्वार्टरली प्रॉफिट देखते हैं तो आप देख सकते हैं इस कंपनी ने हर एक क्वार्टर में काफ़ी शानदार प्रॉफिट बुक किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट देखते हैं गाइस तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट भी काफ़ी शानदार है। हर एक साल में कंपनी ने काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं और अपने ये प्रॉफिट को इंक्रीज करते हुए आ रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन बन जाता है। इसके बाद इस कंपनी का रिजर्व देख लेते हैं गाइस तो आप देख सकते हैं कंपनी के पास 61,223 करोड़ का शानदार रिजर्व है, वहीं 249 करोड़ के आसपास की बोरोइंग भी है। इस कंपनी का हम प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे FIS, DIS और पब्लिक की ही होल्डिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमोटर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो CEO रहते हैं वो डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं FIS और DIS भी काफ़ी मात्रा में इन्वॉल्व हैं। देखते हैं कौन कौन सी कंपनियों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है गाइस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो गया, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन बन जाते हैं इस कंपनी के लिए। इस कंपनी का वन डे का चार्ट देखिए, 5 डेज का चार्ट देखिए, 1 मंथ, 6 मंथ, YTD और इसका मैक्सिमम चार्ट देखिए। जी हाँ, शेयर में ग्रोथ है, इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। जी हाँ, इस कंपनी का नाम है ITC Limited। जी हाँ, मात्र 284.75 रुपये का ये शेयर है। इसका हम फाइनेंशियल देख लेते हैं गाइस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी डिटेल दी गई होती हैं, अगर ये सारी डिटेल ग्रीन में होती है तो ये किसी भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर डिटेल जो दी गई है वो ग्रीन में दी गई है। जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप भी उस कंपनी का फाइनेंशियल जरूर देखें गाइस। अभी मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर लेके आया हूँ। मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर इसलिए लेके आता हूँ, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट मिल जाते हैं, लोगों का एक ओपिनियन जान लेते हैं शेयर के बारे में कि कितने परसेंट लोग इस शेयर को बाय करने के लिए अपनी राय दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ITC Limited 284.35 रुपये का ये शेयर है। फ्राइडे के दिन इसने 10.85 रुपये का हाई लगाया है। गाइस तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 100% लोग इस शेयर को बाय करने के लिए अपनी राय दे रहे हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं इन लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि ये शेयर आने वाले समय में आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है, तो ये भी किसी भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन बन जाते हैं। अगर आपको ये शेयर अच्छा लगता है ITC Limited का, जो कि मात्र 284.75 रुपये का है, तो आप भी इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। गाइस मार्केट में काफ़ी गिरावट हो रही है तो कम क्वांटिटी में ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, और जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उस कंपनी का फंडामेंटल जरूर देखें। अगर किसी कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है तो वो कंपनी आगे जाके आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है। ऐसे ही किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए जिस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा ना हो। गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाए।
क्योंकि मेरे इस चैनल पे हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर ही सजेस्ट किए जाते हैं, और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलेगा जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। थैंक यू गाइस।